ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 0.2 केजी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ फोर्स वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, और क्या निकालना है, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड। लेकिन जो आंसर निकालना है वो भी वेक्टर की फॉर्म में निकालना है, आई कैप जे कैप की फॉर्म में निकालना है। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया, हो गया, हुआ है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो, पहली चीज मेरे माइंड में ही आती है कि मैं ऐसा कर लूँ, ये फोर्स वेक्टर है जिसकी वैल्यू क्या है, 0.3 आई कैप माइनस 0.4 जे कैप। तो पहली चीज मेरे माइंड में आई कि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ कुछ ऐसे, ये लो, नहीं लिखना नहीं है, मेरे माइंड में आई, मैंने कहा करना नहीं है, ये सही मेरे माइंड में चीज़ आई, गलत भी हो सकती है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने अपना अच्छा वाला क्वेश्चन वेक्टर का स्केलर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब स्केलर मीन्स मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दिया, और फिर उसके बाद जब ऑप्शन देखी कि चलो देखें आंसर क्या, फिर देखा आई कैप जे कैप में चल रहा है, तो ये काम मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया कि मैं वापस आई कैप जे कैप में कैसे जाऊँगा। तो मैंने ये डिसाइड किया मैं अपना क्वेश्चन वेक्टर में करूँगा। उसने कहा कि बॉडी रेस्ट पे है तो यू वेक्टर जीरो है, मास कितना केजी है, 0.2 केजी मास है, और फोर्स वेक्टर गिवन है, एफ वेक्टर गिवन है 0.3 आई कैप 0.4 जे कैप, और क्या निकालना है, वेलोसिटी फाइनल वेक्टर फॉर्म में निकालनी है जब टाइम कितना है 6 सेकेंड। ये क्वेश्चन है, तो 6 सेकेंड पे वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, जो क्यों ना ऐसा करें, v वेक्टर इज u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t, जो जो क्वांटिटीज वेक्टर है उनके ऊपर वेक्टर लगा ले, टाइम को छोड़ के हर कोई वेक्टर है। अब इस क्वेश्चन में v वेक्टर निकालना है, u वेक्टर जीरो है, एक्सेलरेशन वेक्टर तो गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन वेक्टर इज फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मास, तो आप यहां से एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल लें, एफ वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है 0.3 आई कैप 0.4 जे कैप डिवाइडेड बाय मास कितना है 0.2, ए वेक्टर आ गया। ए वेक्टर को और सिंप्लीफाई करें, 0.3 बाय 2 इज 3 बाय 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप, तो 0.2 को दोनों से डिवाइड करके ए वेक्टर आ गया। इस ए वेक्टर को ऊपर पुट कर देते हैं, 3 बाय 2 आई कैप 2 जे कैप इंटू टाइम 6, 6 से मल्टीप्लाई करो, वी वेक्टर मार्क करो, क्या ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट है, ऐसे किया, ऐसे किया, डिफरेंट मेथड है। हाँ देखो, f इज इक्वल टू एम ए से ए इज एफ बाई एम, मैंने भी यही किया है, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम का मतलब f इज इक्वल टू एम ए ही होता है, तो मैंने उसके बाद देखो उसने कहा मैंने एक काम कर लिया, ए वेक्टर आ गया, और फिर मैंने क्या किया, v को लिख लिया, a को लिख लिया v by t, a को लिख लिया v by t। देखो थोड़ा सा सही नहीं लगता ये ऐसा बोलना, क्योंकि हमारे पास चार ही क्वेश्चंस हैं, s इक्वल टू वी टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, a इज इक्वल टू v by t, इसलिए चल पा रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पर u जीरो है, मैंने भी यही किया है, ये देखो u जीरो है, अगर मैं यहाँ पर u जीरो कर दूँ तो a इज इक्वल टू v by t, एक ही बात है, पर कल को अगर क्वेश्चन में यू वेक्टर गिवन हो फिर आपका मेथड फेल हो जाएगा। तो एक्चुअल में तो आपने यही अप्लाई किया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक? मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं वेक्टर का क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको भी ऐसा फील हुआ होगा कि आप फोर्स कहाँ हैं, फोर्स तो है ही नहीं। चलो ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कितनों का क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार समझते हैं। एन आयरन नेल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h ऑन टू अ सैंड बेड, चलो ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं, ये सैंड और ये आयरन की नेल है, ये नीचे आएगी, रेस्ट से ड्रॉप किया, h हाइट से ड्रॉप किया ऐसे, तो हवा में फ्री फॉल में आया ये नेल, यहां पे हिट किया सैंड को, और सैंड के अंदर नीचे आता गया आता गया आता गया, और वो कह रहे सैंड में कितनी दूरी कवर कर दी उसने,
एक्स और फिर किस पे आ गया एट रेस्ट, तो यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होने वाली है जीरो और ये डिस्टेंस कितना है एक्स है। सर बना सकते हैं ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें? तो ऊपर की जो जर्नी है वो फ्री फॉल की है, नीचे सैंड है, सैंड में जब नेल आ रहा होगा सैंड इसे रोकने की कोशिश करेगा और रुकेगा भी, ऑब्जेक्ट रुकता है पानी में गिर दें सैंड में गिर दें तो ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो हो जाती है, क्यों? सैंड इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक अपोजिंग फोर्स, ऑपोजिट फोर्स, जिसको फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव फोर्स भी बोलते हैं। आपको इस क्वेश्चन में एफ की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी आपको एफ निकालना है, चलो वो बाद में निकलेगा, पहले ये बताओ कि इस नेल ने जब सैंड में एंट्री की थी तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? तो मान लो ये वेलोसिटी वी थी, इस जर्नी में अप्लाई करें 2gh, u जीरो है, v की वैल्यू क्या आ गई 2gh। तो सैंड में जब एंट्री हो रही है तो नेल के पास कितनी वेलोसिटी थी अंडर रूट ऑफ 2gh। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक, ठीक यहां तक तो किया ही होगा, ठीक कर लिया। फिर अगला भी आपने ऐसा ट्राई किया होगा लेकिन आंसर नहीं मैच किया होगा, थोड़ा सा आपने ऐसे ट्राई किया होगा कि अब सैंड के अंदर जब ये जा रहा है तो मुझे साफ पता लग रहा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी सैंड में इतनी है, फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो है, और कहीं ना कहीं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as तो यहां पे लगने वाला है। तो यहां पे अगर मैं लगाऊं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2 इंटू ए इंटू एक्स, ऐसा लगाया आप लोगों ने, मतलब जिन्होंने ट्राई किया ऐसा कुछ लगा, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आया। मैं बताता हूं गड़बड़ क्या हुई है, प्रॉब्लम है एक्सेलरेशन की सारी, क्योंकि इस जर्नी में एक्सेलरेशन हो ही नहीं रही, सैंड में जब नेल जा रही है और रुक रही है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, उसमें रिटार्डेशन है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है जीरो। तो पहला स्टेप पे समझ में आया, उसमें रिटार्डेशन है। अब अगर रिटार्डेशन है तो यहां पर साइन क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, सही है यहां तक? तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो रिटार्डेशन है तो ए नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। जब मैंने इसे सॉल्व किया माइनस 2gh, ये तो कट गया अंडर रूट से, ये माइनस 2ax, तो यहां से x की a की वैल्यू क्या आ गई gh डिवाइडेड बाय x, लिख लो ये a की वैल्यू आ गई, a भी रिटार्डेशन की इक्वल होगी अगर मैं नेगेटिव साइन लगा लूं तो। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? अब आप कहोगे ये तो यार काइनेमेटिक्स ही स्टार्ट हो गया, यहां फोर्स कहां यूज हो रही है? अब मेन चीज आएगी और वो है फोर्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, रेजिस्टिव फोर्स, सैंड ने रोकने के लिए कितनी फोर्स लगाई, ये क्वेश्चन है। तो सैंड के अंदर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं नेल का, ये नेल जब नीचे जा रही थी कौन सी फोर्स नीचे लग रही थी, नीचे लेके जा रही है इसका वेट, और सैंड के अंदर इसको ऑपोजिशन फोर्स मिल रही है कितनी एफ, ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम से ये नेल कहां जा रही है, नीचे जा रही है, आप लोग ग्राउंड पे ये सारा काम देख रहे थे और आपसे पूछा गया सैंड के अंदर नेल कहां जा रही है, आपने कहा नीचे जा रही है, तो फिर मैंने कहा अगर नीचे जा रही है तो नीचे की फोर्स क्या है, तो आपने कहा एम जी, तो मैंने कहा ऊपर की फोर्स क्या है, आपने बोला एफ, तो मैंने कहा न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, एम जी माइनस एफ, नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, नहीं ना, यहां पर क्या है रिटार्डेशन। रीजन, क्योंकि एमजीएफ से एक्चुअल में बड़ा है ही नहीं, अगर एमजी बड़ा होता ये नेल कभी ना रुकती, अपोजिंग फोर्स बड़ी है इसलिए रिटार्डेशन है। पर क्योंकि मैंने आपको यही सिखाया कि अगर बॉडी नीचे जा रही है तो नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स, लेकिन साथ में मुझे मेंशन करना पड़ा क्योंकि बॉडी रुक रही है, अगर ये बॉडी, अगर ये नेल अपनी वेलोसिटी बढ़ाती जाती, नीचे बढ़ाती ही जा रही है, फिर मैं एक्सेलरेशन वर्ड यूज करता और यहां पर पॉजिटिव यूज करता। हमने जितने क्वेश्चन ब्लॉक्स के किए जिसमें बड़ी में से छोटी फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन वर्ड यूज किया, वो इसलिए किया क्योंकि वहां पर स्पीड बढ़ती है, वहां किसी भी क्वेश्चन में रिटार्डेशन नहीं है, इसमें रिटार्डेशन है और ये नेल नीचे जा रही है, तो नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स इज मास इनटू रिटार्डेशन,
यहां से मुझे f निकालना है, f की वैल्यू सॉल्व करके ये आ जाएगी, चेक करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, चेक करो f की वैल्यू क्या आ गई, एम एन टू जी प्लस ए। लेकिन a की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, जरा पुट करना है यहां पे, पुट करके ऑप्शन मार्क करो, क्या ऑप्शन आ रहा है, सी, आंसर सी। समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है इसमें? ए आपने निकाल लिया काइनेमेटिक्स से, ए की वैल्यू वहां से निकाल के यहां पे पुट करके एफ की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, अब इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमने दो कॉन्सेप्ट यूज किए, एक तो मोशन का आपने देखा, मोशन की इक्वेशंस है, और दूसरा फोर्स का। फोर्स और मोशन की हेल्प से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ दो लाइन में सॉल्व कर सकता हूं, एक और तरीका है मेरे पास, अभी नहीं कराऊंगा आपको। क्या ऐसा कैसे, क्यों नहीं कराओगे, दो दो लाइन सिखाओ, क्यों? उसमें एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा, पोटेंशियल काइनेटिक का कॉन्सेप्ट है। अब सुनने वाली बात यह है, हम इस महीने फोर्स पे काम कर रहे हैं, और हमें फोर्स, जब हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्वियसली बॉडी मोशन भी प्रोड्यूस करती है। तो हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको दो कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। हमें आता भी दो ही चीज़ें आती हैं प्लस वन में, एक हमें मोशन आता है और एक हमें फोर्स आती है। फोर्स और मोशन से अपनी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन इन्हीं टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और आसान तरीका है जिसमें फोर्स नहीं लगती, जिसे मोशन भी नहीं लगता, और वो है एनर्जी कंजर्वेशन, या वर्क एनर्जी थ्योरम करते हैं उसे। तो एनर्जी की हेल्प से हमें कुछ नहीं करना, इनिशियल और फाइनल स्टेट लेनी होती है और हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन ये काम हम अगले महीने करेंगे, क्योंकि पहले हम देखेंगे कि एक लंबे तरीके से एक्चुअल में फोर्स की हेल्प से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकते हैं, फिर हम देखेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम एनर्जी की हेल्प से कैसे सॉल्व हो सकती है। तो तभी समझ में आएगा ना, पहले फोर्स के पे काम होगा, फिर एनर्जी पे काम होगा, फिर आप पता लगेगा कि कब फोर्स लगेगा, कब एनर्जी लगानी है। तो पहले एनर्जी दिखा देंगे, फिर आप फोर्स नहीं दिखोगा, क्योंकि फोर्स लगाने की जरूरत क्या है। बट कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनमें फोर्स की हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो इसलिए हम अपना कॉन्सेप्ट फोर्स और मोशन से सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में इसके भी और शॉर्टकट्स बन जाएंगे, प्रॉब्लम वही रहेंगी लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके बन जाएंगे, एक फोर्स का और एक एनर्जी का। क्योंकि फिजिक्स में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक फोर्स और एक एनर्जी। और जब एक बॉडी मूव करती है उसके पास एनर्जी भी है, लेकिन हम एनर्जी की बात भी नहीं कर रहे इसमें, क्योंकि एनर्जी वाला काम पता है कौन संभाल रहा है, ये वी स्क्वायर, और ये वी स्क्वायर यू स्क्वायर का काम संभालेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम वी स्क्वायर। तो ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये प्रॉब्लम क्लियर है यहाँ तक? तो ये प्रॉब्लम के बाद, क्वेश्चन नंबर टू के बाद, क्वेश्चन नंबर थ्री में एंगल 60 ले लो प्लीज, करेक्शन है, ये हुआ नहीं होगा। तो आप सबसे पहले इसके अंदर जो एंगल लेंगे ये वाला, ये 60 डिग्री ले लें प्लीज। अब ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। कोई बोला कि कहां लिखा रेस्ट पे है, मोशन में हो सकता था, तो कहाँ लिखा मोशन में? मोशन में तो वो बोलता है ये मोशन में है, रेस्ट पे तो बोल नहीं रहा, वो कह रहा है मास को हंग कर दिया, लटका दिया, लटकाने वाली चीज़ को मोशन थोड़ा बोलते हैं। और पुली भी नहीं लगी हुई, ये तो रस्सियों से बांध दिया बस और कुछ नहीं किया। तो मुझे ये बताओ कि ये जॉइंट है, ये जॉइंट ले लेते हैं ये रहा, आप बस ये बताओ इसमें कितनी स्ट्रिंग्स हैं? मुझे तीन दिख रही हैं, एक दो और तीन, तीन स्ट्रिंग तीन टेंशन। मैं तो हर स्ट्रिंग में डिफरेंट टेंशन लेता हूँ, तो बनाओ टेंशंस। सबसे पहले टेंशन बनाते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे T1 पेयर में रहेगी टेंशन, T1। दूसरी टेंशन यहाँ बनाते हैं T2। तीसरी टेंशन यहाँ बनाते हैं T3। तो क्लियर है यहाँ तक? बनेगी पेयर में, तो बनाए साथ साथ T1 T2 T3। और इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कितना? mg, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्या क्वेश्चन है, क्या निकालना है आपको? फाइंड द टेंशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। हॉरिजॉन्टल रस्सी आपको कौन सी नजर आ रही है जिसमें कितनी टेंशन है? T1। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है? T1। तो T1 निकालना है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब लेफ्ट की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू राइट की फोर्सेस, ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस।
तो एक काम करते हैं, ये स्ट्रिंग तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस में है, ये स्ट्रिंग ऑलरेडी वाई एक्सिस में है, पर मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन करवाया था, अगर आपकी स्ट्रिंग टेढ़ी है, एंगल बना रही है, उसको तो क्वेश्चन बाद में पढ़ना, पहले इसके कॉम्पोनेंट बना देना। यही बात हुई थी, टेढ़ी स्ट्रिंग के हमेशा कॉम्पोनेंट बनेंगे। कैसे? अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा? एग्जैक्टली 60 आएगा। और टेंशन के दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, एक टी टू इंटू कॉस ऑफ 60 और एक टी टू इंटू साइन ऑफ 60। ऐसे तो आप कॉम्पोनेंट ड्रॉ करें। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? कॉम्पोनेंट बन गए। कभी भी रस्सी टेढ़ी दिख जाए और उसमें टेंशन दिख जाए, मतलब ही नहीं क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। आपको कॉम्पोनेंट्स बनाने ही बनाने हैं, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम का मतलब सिस्टम रेस्ट पे है, और अगर रेस्ट पे है तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम पहले वेट का बनाते हैं। बोलो T3 किसके इक्वल हो जाएगा? mg। तो पहली इक्वेशन T3 इज इक्वल टू mg, फर्स्ट इक्वेशन। क्यों? इस पे एक्स पे तो फोर्स लग नहीं रही मास पे, सिर्फ वाई पे लग रही है, और क्योंकि मास रेस्ट पे है, ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस। क्लियर है यहां तक? T3 इक्वल टू mg, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? राइट, ठीक है यहां तक? राइट, ठीक है यहां तक? तो T3 इज इक्वल टू mg। अब ये जो रस्सी का ज्वाइंट है, ये भी मूव नहीं कर रहा, कोई मूव नहीं कर रहा, तो ज्वाइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। इस ज्वाइंट का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा, इस ज्वाइंट के राइट की तरफ फोर्स कितनी है? T2 इंटू साइन ऑफ 60। लेफ्ट की फोर्स कितनी है? T1। ऊपर की फोर्स कितनी है? T2 इंटू कॉस ऑफ 60। और नीचे की फोर्स कितनी है? T3। देख रहे हो, नीचे T3, ऊपर इतनी लेफ्ट और राइट। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, मैंने अलग से बना दिया। यहां तक क्लियर है? तो इस ज्वाइंट के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे फोर्सेज आ गए, और क्योंकि ये भी मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब लेफ्ट की फोर्स T1 किसके इक्वल है? राइट की फोर्स कितनी? T2 इंटू साइन ऑफ 60। और नीचे की फोर्स T3 मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्स T2 इंटू कॉस ऑफ 60। क्या ये तीन इक्वेशंस क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? आपको क्या निकालना है इसमें? T1 निकालना है। अब मुझे पता है कि ये इक्वेशन T3 की है, ये इक्वेशन भी T3 की है, तो ये भी T3, ये भी T3, T3 T3 के राइट साइड को इक्वेट कर लेते हैं, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आएगी, चेक करो। T3 की राइट की टर्म्स को इक्वेट कर लिया, यहां से सॉल्व करके क्या आ गया? T2 आ गया। T2 किसके इक्वल आ गया? mg डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 60। तुम एक काम करो, इस T2 को उठा के यहां पुट कर दो और चेक करके बताओ T1 क्या आ रहा है। T2 नेट हो गया ना, तो √3mg आंसर मार्क कर लो, √3mg कर लो चेक। नीचे से वैल्यू उठा के ऊपर पुट करके आंसर चेक कर लो, आंसर आएगा ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं लिया, फिर लोग पूछते हैं कि सर आपने हमेशा कहा तीन रस्सी तीन टेंशन क्यों नहीं ली? मैंने जानबूझ के तीन ली है, अदरवाइज मेरे को भी पता है कि इसका लेने का कोई मतलब था नहीं। सीधा ही आंसर mg को इससे इक्वेट कर सकते थे, ये तो बस समझाने के लिए था। mg T3 के इक्वल है, T3 इसके इक्वल है, आप सीधा मार्क कर सकते हो, ये इसके इक्वल है। हाँ, क्योंकि मास नहीं है, राइट, क्योंकि मास नहीं है यहाँ पे, जॉइंट है। मास होता तो फिर गड़बड़ हो सकती थी, उसमें mg ऐड होता। या आप देख पा रहे हो क्योंकि आपको ये चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, कई बार शुरू में नहीं दिखता, इसलिए मेरा काम है पहले चीज़ों को बिल्कुल थोड़ा डिटेल में समझाना। शॉर्टकट अपने अपने हैं, किसी को दिखते हैं किसी को नहीं दिखते। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? इतने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। ओ फ्रिक्शन छोड़ना पड़ेगा, फ्रिक्शन गलती से डल गया, फ्रिक्शन का क्वेश्चन डल गया, नहीं डलना चाहिए था यहाँ पे। चले आगे करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ दें प्लीज, हमने ये अभी किया नहीं, क्योंकि हम बेसिकली अभी देखो फोर्सेस ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्टडी करवाई जा रही है, आपको फर्स्ट लेक्चर याद होगा फोर्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब कि एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन। अभी हम पहुंचे हैं सिर्फ टेंशन पे, तो चेक करो, अभी सिर्फ टेंशन स्टडी की कर रहे हैं।
नॉर्मल रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, फिर स्टडी करेंगे एक तो लेक्चर के बाद फ्रिक्शन। तो कई लोग बोलते हैं कि तीन चैप्टर हो गए, फोर्स एक चैप्टर है, फ्रिक्शन एक चैप्टर है, सर्कुलर एक चैप्टर है। ना, ये चैप्टर नहीं है, ये बेसिकली सभी फोर्सेस की डिफरेंट टाइप स्टडी करने को बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में तीन चैप्टर आते हैं। जब आपके स्कूल के टीचर बोलेंगे ना कि सिलेबस में क्या आ रहा है, टेस्ट में बोलेंगे लॉज ऑफ मोशन आ रहा है, तो फोर्स आएगा, फ्रिक्शन आएगा और सर्कुलर मोशन भी आएगा। क्योंकि अभी तक हम अपनी बॉडी को लीनियरली पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट पढ़ रहे हैं, उसमें घूमेंगी बॉडीज। जब घूमेंगी एक नई किस्म की फोर्स आएगी जिसका नाम है सेंट्रिपिटल फोर्स। शायद केमिस्ट्री वाले यूज भी करते हो, करते सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रिपिटल। तो तुम्हारी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, गोल कैसे घूमते हैं, बस घूमते ही हैं। बोला होगा किसी ने, बोला होगा सेंट्रिपिटल सेंट्रिफ्यूगल, वर्ड आया होगा। ठीक, तो वो नहीं फिजिक्स का पार्ट है, मैं सिखा दूंगा वो कैसे घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, कितनों का हो गया? अच्छा ठीक है, पहली बार जब क्वेश्चन को पढ़ो ना और इसके डायग्राम को देखो तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ऐसा लगता है ये तो मूव ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इधर से भी फोर्स एफ है और इधर से भी फोर्स एफ है। तो पहली बार स्टूडेंट जल्दी में पढ़ता है, अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्या निकालना है, फटाफट क्या निकालना है, फाइंड फोर्स ऑफ, अच्छा फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट निकालनी है, उठा के F1 करेगा, सिस्टम मूव ही नहीं करेगा, आंसर जीरो ही आ जाएगा। क्यों जीरो करेगा? क्योंकि इधर से भी एफ है, इधर से भी एफ है, लेकिन ये क्वेश्चन तो है ही नहीं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, वो कह रहा है फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन 2m, सिर्फ 2m। डायग्राम में 2 दिखा रहा है पर पहले फोर्स किस पे अप्लाई की जा रही है, 2m पे। फिर नेक्स्ट सेम फोर्स एफ इज अप्लाइड फ्रॉम द राइट ऑन m, सेम फोर्स कहां लगाई जा रही है, m पे, राइट की तरफ से। यानी कि ये कितने केसेस बनेंगे, 2। तो पहला जो केस है वो ये बनेगा, जो फर्स्ट केस है उसमें ऐसे बनाना है आपको, ये लो। तो फर्स्ट केस है, ये एक ऑब्जेक्ट, ये दो मासेस हैं, एक m मास है और एक 2m मास है, ठीक है। दूसरे में भी सेम केस है, एक m मास है और एक 2m मास है। तो ये बना लेता हूं, ये 2m मास है, ये m मास है, ये 2m मास है, ये m मास है। क्वेश्चन में गिवन है कि यहां पे फोर्स कितनी अप्लाई की फर्स्ट केस में F, और दूसरे केस में फोर्स राइट की तरफ से अप्लाई की F। अब ये सिस्टम मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट और ये सिस्टम मूव करेगा टुवर्ड्स राइट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ A, ठीक है यहां तक? हाँ, A तो मैं निकाल सकता हूं, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है वैसे, F डिवाइडेड बाय 3m टोटल मास। चाहिए नहीं वैसी, ऐसी दिखा रहा था, चाहिए नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है। तो 2m ने m को क्या किया, फोर्स लगाई और बदले में इसे भी सेम फोर्स मिली F1। क्या स्टेप क्लियर है? और ऐसे इसने 2m ने फोर्स लगाई m के ऊपर F2, तो बदले में क्या मिला इसे, F2। ऐसे किया, ये इनकी कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। तो तुम्हें इसमें पहले F1 निकालना है, फिर तुम्हें उसमें F2 निकालना है, फिर तुम्हें इन दोनों को डिवाइड करना है और आंसर देना है। समझ में आ रहा है करना क्या है? डायग्राम में ऐसा लगता है कि इकट्ठी फोर्सेस लग रही हैं, वो गलत डायग्राम है या आप उसको शायद समझाना नहीं आ रहा। फोर्सेस स्टेटमेंट सही लिखी उसने, एक एक करके फोर्स लग रही है, पहले राइट लग रही है या लेफ्ट लग रही है, फिर राइट लग रही है, इस तरीके से लग रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूं तो हमने किया हुआ है फ्री बॉडी डायग्राम से, ये 2m है, ये m है, ये राइट जा रहे हैं, ये 2m है, ये m है और ये भी राइट जा रहे हैं, ये लेफ्ट आ रहे हैं सॉरी। तो इसके अंदर ये 2m है, ये m है। तो फ्री बॉडी डायग्राम से क्या बनेगा, इसके राइट की तरफ फोर्स है F। एक चीज ध्यान से समझ लेना, कई लोग ना यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि F1 वेक्टर इधर होगा कि इधर होगा, मैंने काफी बार समझाया भी था आपको। आप ऐसा करें, बहुत आसान तरीका बताता हूं, जिस ब्लॉक पे फोर्स F लग रही है उसको मत देखें पहले, पहले इसको देखो जिसको कुछ नहीं मिल रहा, ये कहां मूव कर रहा है, टुवर्ड्स राइट। तो राइट पे मूव करने के लिए एक वेक्टर कहां लगाना पड़ेगा, टुवर्ड्स राइट, तभी राइट मूव करेगा। और वो फोर्स कौन सी होगी राइट की तरफ, F1। तो एक F1 इधर, तो ये वाला F1 उल्टा हो जाएगा, ऐसे कर लें, समझना इजी है ना?
क्योंकि राइट जा रहा है तो राइट की तरफ इसको वेक्टर दें तो इसको लेफ्ट मिलेगा। फिर लगाएं ये देखो, ये 2m है और ये m, ये f फोर्स है, जिस पे फोर्स f लग रही है उसको मत देखें। ये वाला ब्लॉक कहां जा रहा है? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब इसको फोर्स लेफ्ट मिल रही होगी f2, तो ये कितना है f2। ऐसे करें तो क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम्स क्लियर है? मैं क्यों करवा रहा हूं, आज टेस्ट में भी तो है ना ये सेम क्वेश्चन, मतलब मिलता जुलता, इसलिए बता रहा हूं कि वहां कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक, तो समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे ये फोर्सेस को ड्रॉ किया? तो इसके अंदर, इसमें इसके अंदर आप इक्वेशन बनाएं, ये ब्लॉक कहां जा रहा है? राइट। इक्वेशन बोलें एफ वन इज एम इन टू ए, इक्वेशन नंबर वन। ये वाला ब्लॉक कहां जा रहा है? लेफ्ट, तो एफ टू इज इक्वल टू 2m into a, तो आपको रेशियो निकालनी है f1 f2 की, तो निकाल लें f1 is equal to m into a, f2 is equal to 2m into a, m, m cancel, आंसर क्या आ गया? 1 is to 2 is the answer, ऐसे किया? हाँ कर भी सकते हैं अगर इतना सोच सकते हो तो, ठीक है, ज़्यादा एक स्टेप और शॉर्टकट मार गए, कर सकते हो, लेकिन डेंजरस भी हो सकता है कभी कभी, कल को उसने और एक आध फोर्स लगा दी तो ये शॉर्टकट फेल हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है मेरे ख्याल से, ये इससे शॉर्टकट नहीं होगा, ये ठीक है, कम से कम वेरीफाई करके आंसर तो आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, कोई डाउट? डाउट है पूछ सकते हो, अपने मन को ये मत कहना कि ऐसा होता है इसलिए ऐसे लेते हैं, ऐसा मत कहना। हर वेक्टर का आंसर है, अगर इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसका वेट इंक्लाइन प्लेन के साथ नहीं लग सकता एम जी, वेट हमेशा कहाँ लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो रूल है वेट वेक्टर का, वो नीचे ही लगेगा, तो एम जी साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन के साथ क्यों लगता है? उसका आंसर है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर भी क्या होता है, जब स्टूडेंट घर जाता है उसको ना पता नहीं लगता, वो ना याद कर लेता है ऐसा 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 होता है, इसको याद मत करें प्लीज़। आप अपने क्वेश्चन अपने मन से एक वेक्टर जब ड्रॉ करें उसमें हमेशा पूछे अपने आप से कि मैं ये वेक्टर यहाँ क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, या मैंने ऐसा ऐसा क्यों ड्रॉ किया, रीज़न बताता हूँ। अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर मैं आपको टेस्ट में पूछ लूँगा, फिर आपको वेक्टर लगाए नहीं जाएंगे फिर, क्योंकि आपने पूछे तो होंगे नहीं और क्वेश्चन हल्का सा चेंज होगा होगा, आपको वेक्टर लगाना नहीं आएगा। तो बेटर है आप सोच के वेक्टर लगाएं, आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, सोचेंगे, आपको अपने आप आंसर मिलते जाएंगे। और आपको नहीं समझ में आता अगर कोई वेक्टर कैसे लगता है तो मेरे से पूछें, मैं आपको बताऊंगा कि ये वेक्टर यहाँ क्यों लगाया, उसका हर वेक्टर का आंसर दूंगा। ठीक, कोई भी ऐसे नहीं, ये कोई हम कहानी नहीं पढ़ रहे कि आज़ादी से पहले लोगों ने फोर्स वेक्टर ऐसे बनाया था तो आज ऐसे ही चल रहा है, ये हिस्टोरिक नहीं है, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, ऐसा है तो ऐसा ही है, नहीं ऐसा नहीं है, ये साइंस है, ये एक लॉजिक के साथ चलता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये क्वेश्चन है सिक्स्थ, हो गया। तो कितनों का हुआ वैसे ये? दो का हुआ, ठीक है, ट्राई करें इसमें। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, जो बंदा नीचे उतर रहा है उसका, ठीक है, जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया अपना टाइम ना खराब करें, शीट नंबर 16 स्टार्ट करें, मतलब जितनी देर अब मैं डिस्कशन करता हूँ 16 नंबर शीट, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है बट चलो कुछ तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, कुछ तो करोगे। ठीक, देखो, अ मैन वांट्स टू स्लाइड डाउन अ रोप, एक बंदा एक रस्सी से नीचे उतरना चाहता है, मेरे समझ में तो यही आती है बात, तो बना दो रस्सी, ये रही वो रस्सी, वो नीचे उतरना चाहता है, ठीक है। द ब्रेकिंग लोड फॉर अ रोप इज 2/3 ऑफ द वेट, ये ब्रेकिंग लोड क्या होता है? मैक्सिमम वेट जो ये रस्सी टॉलरेट कर पाएगी, इसके ऊपर तो वो टूट जाएगी, इसे बोलते हैं ब्रेकिंग लोड। रस्सी की फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन। तो बेसिकली ये क्या गिवन है? ये मैक्सिमम टेंशन गिवन है, मैक्सिमम टेंशन भी तो वही फोर्स है,
कि जो एक रस्सी के अंदर मैक्सिमम फोर्स कितनी हो सकती है, नहीं तो वो टूट जाएगी, तो टी मैक्स, इसी को ब्रेकिंग लोड बोलते हैं। ब्रेकिंग मतलब तोड़ने का, लोड का मतलब फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स। तो फोर्स रस्सी की टेंशन होती है, तो टी मैक्स की वैल्यू है कितनी, 2/3 ऑफ द वेट ऑफ द मैन, जो ये बंदा उतरना चाह रहा है। ये मैंने एक बंदे को यहाँ ये रस्सी पकड़ा दी, ये लो ये उतरना चाह रहा है, तो इसका जो मास है वो एम है, इस बंदे का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है कितना, ये वेक्टर कहाँ ड्रॉ करेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड, एम जी नीचे। आप मुझे ये बताओ, इसका आंसर प्लीज दें, यहाँ पे टेंशन क्या होगी, ये प्लीज आंसर दें, यहाँ पे और नीचे रस्सी में टेंशन सेम होगी कि डिफरेंट होगी। मैंने हाथ पकड़ लिया, लटक गया, ऊपर टेंशन अलग, नीचे टेंशन अलग होगी, सेम होगी, कि एक रस्सी है मासलेस है, अलग होएगी। अच्छा, ऊपर ज्यादा कि नीचे ज्यादा, नीचे कितनी होगी, कितनी कम, प्रैक्टिकली सोचो, तुम रस्सी से लटक गए, तुम्हें लगता नहीं, जहां तुमने रस्सी को पकड़ लिया उसका ऊपर वाला तो हिस्सा हो गया टाइट, नीचे वाली तो झूल रही है हवा में, उस पर तो लोड ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, उसको क्या टेंशन है, उसके नीचे को लटका ही नहीं है, तो टेंशन नीचे क्या होगी, जीरो होगी नहीं। लूज रस्सी जो होती है जिसमें बल पड़े होते हैं उसमें कोई टेंशन नहीं होती, खींची नहीं ना, तो नीचे खींचा ही नहीं किसी ने, तो टेंशन जीरो। इसलिए आप मेरी तरफ से इस रस्सी को काट दो, नहीं चाहिए, कहीं इसके चक्कर में पड़ जाना, ये चाहिए ही नहीं आपको, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आया, तो यहाँ टेंशन आपने जीरो लेनी है, ये मत कहना कि यहाँ भी टेंशन होगी, नहीं होगी। हाँ, ये रस्सी पूरी खींच जाएगी, यहाँ पर टेंशन टी मैक्स और टी मैक्स ले लेते हैं, तो दो वेक्टर ड्रॉ किए इसमें, टी मैक्स और यहाँ पर भी टी मैक्स, वो भी इसलिए क्योंकि इसने बोला कि मैक्सिमम टेंशन है इसमें, ना बोलता तो मैं टी एन टी लेता। ये मैन को नीचे उतारना है कि ऊपर लेके जाना है, उसने बोला क्या, कहाँ लेके जाना है, डाउन, स्लाइड डाउन, मिनिमम एक्सेलरेशन। तो चलो ये नीचे एक्सेलरेट करेगा, ये तो बात मुझे समझ में आ रही है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा। तो मतलब अगर आप सिर्फ मैन को देखें, मैन के हाथ में एक रस्सी है जिसके ऊपर टेंशन टी मैक्स है और वेट कितना है, एम जी है, और मैन नीचे उतर रहा है, तो आप सब कुछ ये ग्राउंड से देख रहे थे, जमीन से खड़े होके आपने देखा ये, मैंने पूछा मैन कहाँ है, आपने कहा मैन नीचे उतर रहा है, तो मैंने पूछा मैन के ऊपर कितनी फोर्सेज है, आपने कहा एक तो एम जी फोर्स है और टी मैक्स फोर्स है जिसने उसे पकड़ा हुआ है, और क्योंकि नीचे उतर रहे तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी, एम जी की टी मैक्स, नीचे उतरने में नीचे की फोर्स बड़ी ऊपर की फोर्स छोटी, तो नीचे की फोर्स एम जी माइनस टी मैक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन क्लियर है, अगर ये क्वेश्चन में ये होता कि फायरमैन ऊपर चढ़ रहा है, इक्वेशन क्या बनती, ऊपर चढ़ रहा है तो टी मैक्स बड़ा होता है एम जी छोटा, तो टी मैक्स माइनस एम जी इज एम इंटू ए, और नीचे उतरने में एम जी माइनस टी मैक्स इज एम इंटू ए। अब पॉइंट ये है कि क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और ये टर्म मैक्सिमम है, एक कांस्टेंट में से मैक्सिमम टर्म को माइनस करेंगे तो ये टर्म ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, मिनिमम। लास्ट टाइम भी सिखाया था ये, हालांकि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, पर आपको समझ में आना चाहिए वो टी मैक्स के कॉरस्पॉन्डिंग टी एक्सेलरेशन मिनिमम क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ये टर्म जितनी बड़ी होगी इनका डिफरेंस उतना ही छोटा होगा, तो एक्सेलरेशन उतनी ही छोटी आएगी। टी मैक्स की एम जी, टी मैक्स की वैल्यू कितनी है, 2/3 टाइम्स एम जी इस एम इंटू ए मिनिमम, तो यहां से एम एम और एम क्या हो गया, कैंसल, ए मिनिमम का आंसर क्या है, जी बाय थ्री आंसर। कर सकते हैं, कर सकते हैं, लिफ्ट वाला केस कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो टी इज इक्वल टू एम इन टू जी माइनस ए, ये लगाया कर सकते हैं। तो जब कोई एक्सेलरेट करता हुआ नीचे या ऊपर जाएगा, शॉर्टकट लग सकता है, टी इज इक्वल टू एम इन टू जी माइनस ए, कर सकते हो। समझ में आ रहा है यहाँ तक, लास्ट टाइम यही तो किया था लेक्चर में, कब प्लस ए लगाना है, कब माइनस ए लगाना है। डाउट है, ठीक है। मैं ज्यादातर फॉर्मूला यूज करता नहीं हूं, मैं भूल जाता हूँ फॉर्मूलाज जल्दी जल्दी, तो मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा ठीक है, पेपर में जाएंगे वही डायग्राम बना लेंगे, वही सॉल्व कर देंगे, कौन दिमाग पे बोझ डालेगा फ्रैक्टर उसका। कर सकते हो तो अच्छी बात है,
बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा एक सेकेंड थोड़ा कम ले लोगे। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन कितने लोगों का हो गया? हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 2 kg है, और वो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक्स, जिसकी वैल्यू इसके इक्वल है। इसमें पी की वैल्यू गिवन है 3, टी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 4, टी स्क्वायर आर की वैल्यू गिवन है 5, टी क्यू एक्स के ब्रैकेट में टी का मतलब एक्स टी डिपेंडेंट है, एक्स ए फंक्शन ऑफ टी, तो चाहिए नहीं है बस एक्स लिख देता हूँ। तो इसमें निकालना क्या है, आपको मास पता है, आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है जब टाइम कितना है 2 सेकेंड। एक काम करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सलरेशन, तो 2 × एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन अगर मैं बता दूं आंसर आ जाएगा, आपको याद आएगा कैलकुलस, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन और मोशन का चैप्टर। एक्स से ए कैसे निकलता था, 2 बार डिफ्रेंशिएट। कोई ऐसा है जिसने कैलकुलस डिफ्रेंसिएशन ना किया हो अभी तक? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पहले क्या निकलेगी, वेलोसिटी dx बाय dt, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो मैं ओरली कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा d बाय dt, राइट। फिर वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाय dt। मैं एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, कॉन्स्टेंट की 0, ये 8 होगा और ये 30t होगा। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई इसमें, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन कब निकालनी है, जब टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो जब टाइम 2 सेकेंड है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 8 + 30 × 2 कितना आ गया, 68। इस एक्सेलरेशन को यहां पुट कर देंगे 68, निकाल लेना फोर्स की वैल्यू आ जाएगी कितने न्यूटन इज आंसर। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को करते हुए जैसे मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं मोशन या कैलकुलस कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ कहीं पर भी आ जाती है। पर समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे वो कैलकुलस, मोशन, फोर्स आपस में रिलेटेड है, तो कैसे चीज़ें जुड़ती जा रही हैं देख रहे हो। पहले कैलकुलस किया, पहले हमें ये फर्स्ट डे जब हम आए थे हमें ये भी नहीं आता था, फिर इसको सीखा, काफ़ी टाइम लगा, 10-15 दिन लगे ये सीखने के बाद, फिर हमने देखा फोर्स का फॉर्मूला लगाया, इंस्टेंटेनियस फोर्स कैसे निकलती है और आंसर आया, तो धीरे धीरे चीज़ें बनती जाएंगी। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ के बाद क्वेश्चन नंबर 8, कितने लोगों का 8th क्वेश्चन हो गया? हो गया, कमाल हो गई। ठीक, इसको जरा ध्यान से सुनते हैं। 8th क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इसमें छुपा हुआ है वो पता होना चाहिए। 8th क्वेश्चन में कुक करने से पहले मेरे को एक चीज का आंसर दें। ये एक वॉल है, दीवार है, एक बॉल आती है जिसका मास है m, जिसकी वेलोसिटी है v, तो मोमेंटम कितना है इसका, मास इंटू वेलोसिटी। ये बॉल आती है, ये इस दीवार को हिट करती है, हिट करने के बाद बिना वेलोसिटी को लूज किए रीबाउंड हो जाती है, कोई एनर्जी लॉस नहीं है, दीवार को टक्कर मारी और टक्कर मार के वापस हो गई विद अ मोमेंटम ऑफ अगेन m इंटू v। तो ये P1 है, ये P2 है, P1 P2 का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है यहां तक। मेरा क्वेश्चन है फाइंड चेंज इन मोमेंटम P2 - P1। तो मैं वैल्यूज अगर पुट करूंगा तो P2 की जगह क्या पुट करूंगा, MV, P1 की जगह क्या पुट करूंगा, MV, मेरा आंसर क्या आएगा, 0। कोई डाउट इसमें? अगर स्कूल में जाके किसी ने बोला कि ये 0 है तो बोल देना मेरे आने पड़ते कि गलत है, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा किसे सिखाया तेरे को ये, बिल्कुल भी 0 नहीं है। अब बताओ 0 क्यों नहीं है, आंसर 0 है, जबकि MV बोल तो रहा हूं, MV में से MV गया 0, तो फिर 0 आंसर गलत कैसे हो गया, मैंने क्या गलती की इसमें, वेलोसिटी चेंज नहीं, v और v ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इसमें,
नहीं बिल्कुल, एक एक आंसर दो, बिल्कुल सही आंसर बैठ बोलो। डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन लिया नहीं, आप ये बोल रहे हो मुझे डायरेक्शन लेनी चाहिए थी। आपको ऐसा नहीं फील हो रहा कि मैंने ये स्टेटमेंट गलत लिखी है? कितनों को समझ में आ रहा है अब ये गलत है लाइन? कैसे गलत है बताओ ना? ना ऐसे गलत नहीं है, कुछ और है इसमें, वेक्टर है, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या होता है? एम इन टू वी, वी इज अ वेक्टर, पी इज अ वेक्टर, तो इसके ऊपर वेक्टर्स होने चाहिए, सही है। और क्योंकि चेंज इन मोमेंटम वेक्टर, ये तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्वेश्चन हो गया ना। और किसने कहा सब्ट्रैक्शन ऐसे होती है? मैंने तो नहीं कहा। सब्ट्रैक्शन करने का तो तरीका था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप इसको ऐसे माइनस कर ही नहीं सकते ना, प्रॉब्लम तो ये है। चलो अब ये बोलो, अगर मैं वेक्टर की बात करता हूं तो P1 वेक्टर कहां पर है? P1 वेक्टर की डायरेक्शन कहां पर है? राइट। और P2 वेक्टर की डायरेक्शन कहां पर है? लेफ्ट। और मैग्नीट्यूड P1 P2 का एग्जैक्टली सेम है, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन का चक्कर है। P1 वेक्टर राइट है, P2 वेक्टर लेफ्ट है, ठीक है। ये बताओ P1 वेक्टर P2 वेक्टर के डायरेक्शन में एंगल का डिफरेंस कितना है? एंगल कितना है? एक P1 वेक्टर इधर है, P2 वेक्टर इधर है, दोनों में एंगल कितना है? 180, ऑपोजिट है। सब्ट्रैक्शन, और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड चाहिए, देख रहे हो डेल्टा पी का वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। सब्ट्रैक्शन और वेक्टर क्या कहते हैं? इसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2 P1 P2 कॉस ऑफ थीटा। हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में रिजल्टेंट का फॉर्मूला किया था, कोई डाउट इसमें? तो इसमें डेल्टा पी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 का मतलब क्या है? एम इन टू वी का स्क्वायर, एम इन टू वी का स्क्वायर माइनस 2 M into V, एम इन टू वी इन टू कॉस ऑफ कितना? 180। कॉस 180 मैथ्स में क्या होता है? माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एम वी का स्क्वायर प्लस एम वी का स्क्वायर प्लस 2 MV into MV, और जो कि सॉल्व करके क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ एम वी प्लस एम वी का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? 2 MV। ऐसे ही है। तो इसका मतलब अगर एक बॉल जाती है विद मोमेंटम ऑफ एम वी, टक्कर मार के वापस आती है विद मोमेंटम ऑफ एम वी, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं होगा, क्या होगा? 2 MV। इंपॉर्टेंट। तो पहले तो फॉर्मूला रजिस्टर में ये नोट कर लो, बोलो कर सकते हैं, उसे भी कर सकते हैं, वो भी कर दूंगा अभी, रुको। तो ये स्टेप समझ में आ रहे हैं? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक चैप्टर करने जा रहे हैं कोलिजन्स, उसमें तो ये बहुत यूज होता है। क्यों यूज होता है मालूम है? कोलिजन में, कोलिजन का मतलब क्या है? टक्कर होना, टक्कर से बॉडी रीबाउंड होंगी, रीबाउंड होंगे तो ये कॉन्सेप्ट तो रोज लगेगा क्योंकि बॉल जाएगी वापस आएगी, जाएगी वापस आएगी टक्कर मार के। तो वहां पर ये शॉर्टकट नोट किया जाएगा कि अगर जाने का मोमेंटम एम वी, आने का एम वी, तो चेंज इन मोमेंटम 2 MV। ठीक है यहां तक? तो चाहे तो सीधा फॉर्मूला नोट कर लो, मतलब ऐसा, अगर ये सारा नहीं करना, ये प्रूफ की जरूरत नहीं है आपसे, कोई जिंदगी में पूछेगा नहीं कि 2 MV क्यों है, वैसे बता दो, आपसे कोई ना पूछता। आप सिंपल एक शॉर्टकट नोट कर लो, ये लो, आप ये नोट करो, ये मान लो एक बॉल, ये रही, तो ये बॉल जा रही है विद एम वी, वापिस आ रही है विद एम वी, तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है? 2 MV। बस ये शॉर्टकट नोट करो कि दीवार से टक्कर मार के अगर एम वी और एम वी होता है तो 2 MV चेंज इन मोमेंटम है। बस ये शॉर्टकट नोट कर, शॉर्टकट तो शॉर्टकट होना चाहिए ना, उसमें प्रूफ भी नोट कर दिया, अभी शॉर्टकट कहां से हो गया? पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये मैं यूज करता रहूंगा कम से कम 20-25 बार इस अगले 2-3 महीने में। तो जीरो मत बोलना, आंसर 2 MV बोलना। नहीं, क्वेश्चन तो हो जाएगा, क्वेश्चन तो ठीक है ये, पर यहां गड़बड़ हो जाएगी ना कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यू और वी डिफरेंट है, यू और यू सेम हो तो देखो कितनी टेंशन है, इसमें पता ही लगेगा आपको। आप जीरो आंसर मार्क कर सकते हैं उसमें। तो पहला रिजल्ट क्लियर है। अगर कोई ये पूछ ले,
सबसे पड़ेगा 180, रिबाउंड हुई है, वापस आ रही है, देखो ठीक। चलो अगर ऐसे नहीं, मान लो आपको याद आता या आप नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और तरीका है प्रूव करने का, वो इससे छोटा है। आप ऐसा कर सकते हैं, ये बॉल एम वी मोमेंटम से गई, तो आप एक काम करें, इसको लिखें P1 वेक्टर। जब आपने वेक्टर बोल दिया, पीछे डायरेक्शन आएगी, मान लो इधर की डायरेक्शन x एक्सिस है, तो पीछे क्या आएगा, आई कैप, ये लिख लें। और जब कोलिजन हो जाए, P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एम वी रहेगा, लेकिन पीछे क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी होगी, माइनस आई कैप। तो चेंज इन मोमेंटम वेक्टर क्या होगा, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर माइनस, इसका मतलब क्या होगा, माइनस एम वी आई कैप माइनस एम वी इंटू आई कैप, समझ रहे हो, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, जो कि क्या आएगा, माइनस 2 mv इंटू आई कैप। तो डेल्टा पी वेक्टर इसके इक्वल आ गया, तो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ओनली वैल्यू क्या आएगी, 2 mv। ऐसे भी कर सकते हो 2 mv, तो भी आंसर 2 mv है, जीरो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ? हाँ, आपसे कोई प्रूफ ना पूछेगा, आपको तो पता होना चाहिए कि मैंने कैसे किया 2 mv। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो चलें क्वेश्चन पे। तो मेरा क्वेश्चन तो इससे इजी है, ये तो उल्टा कॉन्सेप्ट मुश्किल है। क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन के अंदर वो मास दे रहा है, मास कितने है, 150 ग्राम का मतलब 150 by 1000 kg। इनिशियली यू, ये भी वेक्टर करो, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, यू वेक्टर वी वेक्टर गिवन है, तो आपको ये बताना है चेंज इन मोमेंटम कितना है, और वो भी वेक्टर फॉर्म में बताना है, क्योंकि आंसर आई कैप जे कैप में गिवन है, आप स्केलर में नहीं कर सकते। तो आप फाइनली एक ही काम करें, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में यही होगा। P2 वेक्टर क्या होगा, m इंटू फाइनल मोमेंटम वेक्टर, और ये लो फाइनल मोमेंटम वेक्टर क्या होगा, m इंटू वी वेक्टर, इनिशियल क्या होगा, m इंटू यू वेक्टर, एक में वी वेक्टर एक में यू वेक्टर, m कॉमन आ गया, वी वेक्टर यू वेक्टर, m आपको पता है 150 by 1000 है, वी वेक्टर किसके इक्वल है, माइनस 3i cap + 4j cap, माइनस यू वेक्टर किसके इक्वल है, 3i cap + 4j cap, इन्हें माइनस करके सॉल्व करके जो ऑप्शन है मार्क कर लेना, आंसर आ जाएगा। सही है यहां तक, कोई डाउट इसमें? m इंटू वी वैक्टर माइनस m इंटू यू वैक्टर, m कॉमन आ गया, v वैक्टर माइनस u वैक्टर, और वैल्यू पुट कर दी, v वैक्टर u वैक्टर माइनस करो आंसर, सॉल्व तो आपने करना है ना। आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे ये क्वेश्चन फोर्स का नहीं है, ये क्वेश्चन वैक्टर का है, मुझे भी ये फील हो रहा है, ये क्वेश्चन वैक्टर का है। देखो वैक्टर कैसे यूज होते हैं देख रहे हो आप, जबकि हमने वैक्टर काफ़ी डिटेल में कर लिए थे, इतने चाहिए थोड़ी ना होते हैं, वो तो इसलिए होता है कि आपका डर निकल जाए वैक्टर से, अदरवाइज देख रहे हो वेक्टर इतना यूज होता है, कैलकुलस भी बहुत यूज थोड़ी ना हो रहा है, कैलकुलस नॉर्मल यूज होता है, वेक्टर भी नॉर्मल यूज हो रहा है इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो वेक्टर काम आ रहा है फोर्स की डायरेक्शन बनाने में, फोर्सेस की डायरेक्शन कैसे बनाते हैं वहां वेक्टर काम आता है, कभी कभी कॉम्पोनेंट्स में काम आ जाता है, कभी कभी रिजल्टेंट का फॉर्मूला काम आ जाता है, इतना की काम आता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, हो जाएगा सॉल्व? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 कितने लोगों का हो गया, हुआ? तो आपको लगा कि साइन थीटा तो होना ही चाहिए, तो डी ऑप्शन मार्क कर देते हैं, गलत तो नहीं है, चलो इंक्लाइन प्लेन का कुछ तो आप इंक्लूड करेंगे इसमें। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, आप इसको पहचान नहीं पा रहे, देखो मैं करके दिखाता हूं, को याद आ जाएगा। क्वेश्चन है कि सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, जिसकी लेंथ एल है, ये लो
ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल थीटा है, ये मास है, ये मास है, मास को यहाँ से रिलीज किया, एल लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है, मास यहाँ पे पहुँचा, टी टाइम में पहुँच गया। अगर मैं कहूँ कि टी टाइम क्या होगा, उसके लिए ये बताओ कि ये मास को नीचे कौन सी फोर्स लेके आ रही है। एम मास को इंक्लाइन प्लेन के अलोंग नीचे स्लिप होता हुआ आ रहा है, कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है? एम जी साइन थीटा। मैंने आपको हमेशा बताया इंक्लाइन प्लेन में तो देखने की भी जरूरत नहीं है, ये डायग्राम तो हमेशा बनेगा ही बनेगा, एम जी एम जी एम जी कॉस और एम जी साइन, ये तो बनेगा ही बनेगा। तो कौन सी फोर्स नीचे लेके आ रही है? एम जी साइन थीटा, एम जी मत बोल देना, एम जी साइन थीटा बोलना। तो कितनी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, फोर्स को मास से डिवाइड कर देते हैं, तो एम जी साइन थीटा को एम से डिवाइड कर देते हैं, आंसर क्या आएगा? जी साइन थीटा। तो इंक्लाइन प्लेन से एक ब्लॉक नीचे आ रहा है, कितनी एक्सेलरेशन के साथ? जी साइन थीटा। लिफ्ट को छोड़ो, लिफ्ट में उसको बाद में डाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि पूरा अरेंजमेंट लिफ्ट के अंदर रखा गया है, आप लिफ्ट को भूल जाओ, सिर्फ इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इंक्लाइन प्लेन पे अगर ये मास है और नीचे आ रहा है, तो सिर्फ ये बताएं कितने समय में नीचे आएगा। अप्लाई करें एस इज यू टी हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अप्लाई किया एस की जगह एल, यू की जगह जीरो, हाफ एक्सेलेरेशन जी नहीं है, एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ रही है? अंडर रूट ऑफ 2L by G साइन थीटा। तो इतने समय में ये ब्लॉक नीचे पहुंचेगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है? और मैंने इसको बिल्कुल लिफ्ट में नहीं रखा, बस ये स्टेशनरी है, सही है यहां तक? अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन तो ये है, इस पूरे अरेंजमेंट को अगर हम एक लिफ्ट में रख दें, और लिफ्ट कहां जा रही है? डाउनवर्ड जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, अब ये ब्लॉक कितने समय में नीचे आएगा? एक शॉर्टकट करवाया था, बिना लिफ्ट के जहां भी आपको जी दिख रहा है, और अगर ये पूरा अरेंजमेंट लिफ्ट के अंदर नीचे आ रहा है, तो जी माइनस ए कर देना, क्योंकि जब लिफ्ट नीचे उतरती है तो जी की जगह क्या हो जाता है? जी ऊपर, बंदे का वेट भी चेंज हो जाता है, एम जी की जगह जी माइनस ए हो जाता है, शॉर्टकट है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? ये आंसर आएगा जी की जगह जी माइनस ए, शॉर्टकट मार देना। मतलब कभी भी कोई क्वेश्चन लिफ्ट के अंदर आए, पहले बिना लिफ्ट के सॉल्व कर लो, जहां भी जी दिख रहा होगा, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है जी प्लस ए, लिफ्ट नीचे आ रही है जी माइनस ए कर देना, आंसर आ जाएगा। लिफ्ट के साथ करोगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, ऐसे ही ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे सोचना है इसमें? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? बहुत बढ़िया है, नहीं बोला है इसमें मैंने कुछ किया है, इसमें लंबा है, फोन है, फोन है अभी गूगल ड्राइव पे है। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि कैसे करना है? कोई डाउट इसमें? नाइन्थ के बाद क्वेश्चन नंबर टेंथ, क्या हमने क्वेश्चन किया हुआ टेंथ का लग रहा है आपको? फॉर्मूला तो हमने बना ही लिया था एंड में, शायद लास्ट टाइम आखिरी क्वेश्चन था ये आपकी क्लास का, जी टैन थीटा वाला सूडो फोर्स का एक क्वेश्चन किया था, ये वही तो है, चेक कर लो, ये वही है। देखो क्वेश्चन है, एक इंक्लाइन है, एक इंक्लाइन कुछ ऐसे, इस इंक्लाइन के ऊपर ये एक मास है, मैं क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ, और इंक्लिनेशन एल्फ है, मैं ये चाहता हूँ कि इंक्लाइन को एक्सेलरेशन कितनी दी जाए ताकि ब्लॉक किस पे रहे? एट रेस्ट। तो अगर आपको ब्लॉक को किस पे रखना है? रेस्ट पे, तो आपको इसको एक्सेलरेशन ए देनी पड़ेगी। तो ए कितनी देनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन है, मैंने कैसे सिखाया था? इंक्लाइन प्लेन पे देखते ही सबसे पहले ये डायग्राम तो बनना ही बनना है, ये एम जी, ये एल्फा, ये एम जी कॉस एल्फा, और ये एम जी साइन एल्फा, और प्लीज़ ये ना ऐसे मत छोड़ देना, यहाँ बनाना नॉर्मल रिएक्शन, वेक्टर हवा में ऐसे नहीं छोड़ना कि
कि लाइन डाल के छोड़ दिया, गलत हो जाएगा। वेक्टर पूरे बनने हैं, हर कहीं एरो बनने हैं, तो ये तो बनना ही बनना है। अब क्योंकि ये पूरा वेज आगे जा रहा है, तो इसके ऊपर पीछे की तरफ क्या लगेगी, सूडो फोर्स। ऐसे सिखाया था एम ए, वेज अगर ए एक्सेलरेशन के साथ आगे जा रहा है तो ब्लॉक के ऊपर पीछे क्या लगेगी, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स के कॉम्पोनेंट्स बनेंगे, ये भी सिखाया था, सूडो फोर्स के कॉम्पोनेंट्स बनेंगे। अगर ये एल्फा तो ये भी एल्फा, तो सूडो फोर्स का कॉम्पोनेंट एम ए कॉस एल्फा, और एक कॉम्पोनेंट इस तरफ एम ए साइन एल्फा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे, तो आपको क्या करना है, नीचे की फोर्स यानी कि एम जी साइन एल्फा मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्स एम ए कॉस एल्फा। एम से एम कैंसल, ए की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लो, जी टेन एल्फा इज द आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि हमने ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी सीखा था कि जब भी एक वेज को एक्सेलरेशन दी जाए और ब्लॉक रेस्ट पे रखना हो तो उसको सूडो फोर्स ही बचा सकती है, और कोई फोर्स बचाएगी नहीं, क्योंकि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाई नहीं है, तो हमने तो सिर्फ वेज को मूव करवाया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो सूडो फोर्स बैकवर्ड एक्ट करेगी, उसका कॉम्पोनेंट एम जी साइन अल्फा को के साथ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है यहां तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? मेथड समझ में आ रहा है, लास्ट टाइम भी किया था, समझ में आ रहा है? मैं इसका तो आंसर मेरे को याद है, जी टेन अल्फा तो जी टेन थीटा, इसको मैं सॉल्व भी ना करूं तो रट गया क्वेश्चन, दो बार कर लिया, अभी तीसरी बार भी करके दिखाऊंगा, रुको ये चलता रहेगा ये। तो नेक्स्ट है टेंथ के बाद क्वेश्चन नंबर इलेवंथ। कितने लोगों को ये हो गया, इलेवंथ हुआ? बनाओ इसके वेक्टर्स। देखो क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास एम। तो मैं देख पा रहा हूं कोई फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर, एम मास है, इंक्लिनेशन थीटा है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा ये क्वेश्चन है, और ये ब्लॉक रेस्ट पे है, ये भी साथ में गिवन है। तो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये ब्लॉक है, ये फोर्स मैंने अप्लाई की इसके ऊपर एफ। लेकिन उससे पहले और कुछ पता हो ना पता हो, ये तो पक्की बात है, ये डायग्राम तो बनना ही बनना है। एम जी ये लाइन ऐसे बनेगी बनेगी, थीटा एम जी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा नीचे ही बनाना, ऊपर नहीं होता, नीचे होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है यहां तक? अब ये पॉइंट है कि ये एफ फोर्स राइट की तरफ लग रही है। देखो अगर मान लो एक ब्लॉक है और मान लो इसके ऊपर फोर्स राइट लग रही है, मैं डायग्राम को ऐसे ना बनाते हुए ऐसे बना दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर राइट ही है ना, मैंने कोई डायरेक्शन चेंज की ना, मैंने वैल्यू चेंज की। और अगर मैं डायग्राम को ऐसे बना दूं तब भी कोई फर्क ना पड़ रहा, क्योंकि ना मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं ना मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं। उसी तरीके से इसके अंदर अगर मैं ये जो एफ वेक्टर है, जो एफ वेक्टर है, इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं कोई फर्क ना पड़ता, ये एफ वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, क्योंकि देखो डायरेक्शन तो मान लो ईस्ट की तरफ है तो ईस्ट ही है, और वैल्यू एफ का एफ है, मैंने चेंज नहीं की। तो इसके अंदर इसका कॉम्पोनेंट बन जाएगा, ये थीटा है तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा, एफ के दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे फिर से, एक बार एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट यहां बनेगा एफ साइन थीटा।
तो बोलो नॉर्मल रिएक्शन क्या बनेगा, इन दोनों के ऑपोजिट है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी एम जी कॉस थीटा तो होगा ही होगा प्लस एफ इंटू साइन थीटा भी होगा, आंसर ऑप्शन मार्क कर लेना, नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट ये दो फोर्सेस को मार्क कर लेना, ये दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो वो ऐड हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट जो फोर्सेस हैं उनको उनको आपने इसमें लिखना है। एफ है, एफ के साथ ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग से थीटा है, जैसे सूडो फोर्स के कॉम्पोनेंट थे ऐसे एफ के कॉम्पोनेंट है, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट कौन कौन सी फोर्सेज हैं, एफ साइन थीटा है और एम जी कॉस थीटा है, इन सेम डायरेक्शन दोनों ऐड हो जाएंगी, एन के इक्वल हो जाएगा, तो एन इसके इन दोनों के सम के इक्वल है। सही है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया इजी है। देखो आपको क्या निकालना है, आपको टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में क्या होगी, तो इसमें अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम का इस डायग्राम में एक ही रस्सी है जो यहां से घूम के यहां पे आ रही है, तो टेंशन विल रिमेन सेम, तो बनाते हैं ये लो ये टी और यहां से भी एक टी, ये टी ये टी यहां से एक टी और ये टी यहां से भी टी, तो बनाओ टेंशन पेयर में टी एन टी टी एन टी टी एन टी, एक रस्सी तो एक ही टेंशन रहेगी और मासलेस स्ट्रिंग है तो पूरी रस्सी में टेंशन विल रिमेन सेम। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, अब ये बताओ कि ये सिस्टम राइट जाएगा, देखो मुझे ये बताओ कि ये मास राइट जाएगा और ये ऊपर आएगा या ये लेफ्ट आएगा और ये नीचे आएगा, कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें मास की वैल्यू नहीं गिवन तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा सोच रहे हैं कि या अगर मैं ये बता दूं ये भारी मास है या हल्का है तब ये नीचे आएगा, ये इक्वल है तो अब कुछ भी हो सकता है, तो ये कहाँ आएगा, किसी भी हालत में ये ऊपर जा ही नहीं सकता, मतलब तुमने ब्लॉक को यहां रखा है ना और वो ऊपर भाग गया, ऊपर भागने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है, तो तुमने कहा सर इसने फोर्स लगाई होगी, ये तो चला एक नीचे बक्सा पड़ा हुआ था ये कहाँ फोर्स लगा लेगा, तो मतलब आप ये देखो अगर आप ये मास को देखो ये मास खुद चल के राइट तो आएगा नहीं, मैंने तो कोई फोर्स नहीं लगाई इसके अंदर, तो ये खुद चल के राइट तो आएगा नहीं, ये खुद चल के ऊपर तो आएगा नहीं, हाँ ये खुद चल के नीचे तो फिर भी आ सकता है, स्लिप होके नीचे आएगा आएगा, तो इसका मतलब ये नीचे आएगा और इसको इधर ही जाना पड़ेगा, ये राइट जा ही नहीं सकता, समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ये ऑब्जेक्ट तो स्लिप होके नीचे ही आएगा ना, कब से ऐसा होने लग गया कि आप एक वाटर स्लाइड पे बैठ गए और नीचे जाने की बजाय आप ऊपर उड़ने शुरू हो गए, ऐसा कभी होता है, कभी नहीं हो सकता, तो बिल्कुल वैसे ही है, ये आपके सामने एक फोर्स नीचे की तरफ आएगी, शॉर्टकट मार रहा हूँ एम जी साइन थीटा, वो एम जी कॉस एम जी साइन, तो नीचे की तरफ कौन सी फोर्स है जिसको नीचे लेके आ रही है एम जी साइन थीटा, राइट, और ये कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, और ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, तो एक इक्वेशन इसके साथ बनेगी एम जी साइन थीटा माइनस टी इज एम इन टू ए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी टी इज इक्वल टू एम इन टू ए, ये इसकी इक्वेशन है, इन्हें ऐड करें, ऐड करके ए निकाल लें, पर हमें तो टी निकालना है तो टी भी आ जाएगा,
तो एम जी साइन थीटा ऐड करके 2m में, तो a की वैल्यू सबसे पहले क्या आएगी, एम जी बाई 2 इंटू साइन थीटा, और t किसके इक्वल है, m में। इस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन क्या आएगी, एम जी बाई 2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, मैं नहीं है, नहीं नहीं एम नहीं आएगा, कट गया यार, ए गलत लिख दिया, अब सही है, सॉरी अब सही है, एम कटेगा ना, एम से एम कटेगा इधर से। तो क्या ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? तो पहले एक्सेलरेशन निकाल ली, एक्सेलरेशन निकाल के फिर टेंशन निकाल ली, फिर ऑप्शन मार्क कर लो। ये सही है, साइन थीटा, इसको साइन थीटा बोलते हैं, 1/L। ये क्लियर है यहां तक? देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आपको ना एक स्टेटमेंट गिवन है जो आपने कभी सुनी नहीं है, ये पहली बार यूज कर रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ 1/L। जब ऐसी स्टेटमेंट गिवन होती है, इसका मतलब ये होता है साइन थीटा इज 1/L। ये लिख लो, 1/L अगर लिखा होगा तो मतलब साइन थीटा इज 1/L, इसका मतलब ये है। अब आ जाएगा, ये टर्म्स यूज करते हैं, मतलब ये लैंग्वेज है, 1/L। स्लोप निकालते हैं साइन की फॉर्म में, मतलब स्लोप नॉर्मली टेन थीटा होती है ना, लेकिन ये साइन की फॉर्म में निकालते हैं, 1 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सही है, तो 1/L क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकाल, अब हो जाएगा क्वेश्चन ही सॉल्व करना। किया हुआ है, तो ये वही इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा है, ये मास एम है, ये एम जी है, ये थीटा है, ये एम जी कॉस थीटा है, और ये एम जी साइन थीटा है। ये तो देखते बना ही देना है। वो क्या कह रहा है इसमें, वो कह रहा है कि कितनी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इम्पार्टेड टू द इंक्लाइन प्लेन ताकि ये मास रेस्ट पे आ जाए। तो क्या हुआ है, जी टेन अल्फा, जी टेन थीटा भी तो किया एक्सेलेरेशन। तो ये बताओ कि इस वेज को मैं राइट पुश करूं, एक्सेलेरेशन दूं कि लेफ्ट दूं, लेफ्ट दूं। कैसे देख पाते हो यार ये लेफ्ट और राइट? कितने लोग बोलते हैं लेफ्ट दें, अगर राइट होगी तो। अच्छा चलो एक गलती करके देख लेते हैं, राइट देते हैं, वैसे आंसर लेफ्ट है। चलो मुझे पता नहीं लगा, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा चलो कुछ तो करना ही था क्वेश्चन में, चलो राइट ही दे लें, ठीक है चलो राइट दे के देखते हैं। अगर मैं इसको राइट एक्सेलरेशन देता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट पे सूडो फोर्स कहाँ लगेगी, लेफ्ट लगेगी, लेफ्ट लगेगी। तो अगर ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये भी थीटा है, तो एम ए का एक कॉम्पोनेंट एम ए कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, और एम ए साइन थीटा नीचे जाने की बजाय ऊपर आ जाएगा, ऐसे सब डायग्राम उल्टे बन जाएंगे। मतलब एम ए कॉस थीटा को तो रोकना चाहिए था इससे, उल्टा ये खुद ही एम जी साइन थीटा के साथ हो गया, तो जहां ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था अब ये बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, कि सूडो फोर्स ही उल्टी लग गई, आपने धक्का ही गलत मार दिया वेज को। तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको वेज को जो फोर्स या एक्सेलरेशन देनी है
वो आपको इस तरफ नहीं देनी चाहिए थी, आपको ऐसे देनी चाहिए थी ताकि सूडो फोर्स ऐसे लगे और ताकि एक कंपोनेंट ये थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एक कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा यहाँ चला जाए और एम ए साइन थीटा यहाँ पे आ जाए। और क्योंकि ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, एम एम कैंसल, ए की वैल्यू जी टेन थीटा, वही सेम आंसर है जी टेन थीटा, सेम ही तो क्वेश्चन है, तीन बार कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको आंसर जी टेन थीटा गिवन ही नहीं है, आपको तो साइन थीटा की वैल्यू पता है। तो सोचें अगर साइन थीटा 1/L है तो पाइथागोरस लगा के ये टर्म ही आ जाएगी, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/√L² - 1। यहाँ पे अगर टेन थीटा निकालें तो ये टर्म आ जाएगी, तो इस टेन थीटा को उठा के यहाँ पुट कर दें, ऑप्शन मार्क कर लें, आंसर कुछ भी नहीं किया, टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा से निकाल के पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है यहाँ तक?